एक्चुअली थोड़ा सा शॉकिंग था क्योंकि इस बार इविक्शन घर वालों के हाथ में दिया था, जनता के हाथ में नहीं दिया था, और थोड़ा सा अनफेयर भी लगा। अगर जनता के हाथ में होता तो आई एम प्रीटी श्योर कि मैं शायद यहाँ पे नहीं होता अभी। So, घर वालों के साथ आप रह रहे थे, कौन सा ऐसा लगा कि अनफेयर, किस तरीके से आपको लगा जिस तरीके से बिग बॉस ने खेला है, क्या वो बिग बॉस अनफेयर लगे या फिर घर वाले जितने कंटेस्टेंट हैं, कौन सबसे ज्यादा अनफेयर लगा? मुझे ये डिसीजन थोड़ा सा अनफेयर लगा कि इस बार के इविक्शन घर वालों के हाथ में होंगे। So, जिस तरीके से स्टार्टिंग से ही देखा जा रहा था कि बिग बॉस खेले और बिग बॉस ने ऐसा खेला, क्या आपने ये एक्सपेक्ट किया? बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो बहुत शॉकिंग था क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं है बिग बॉस के पुराने सीजन्स के बारे में, बट शायद कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, आई एम नॉट रियली श्योर। बट घर वालों के हाथ में इविक्शन अगर ऐसे ही होना होता तो फिर यार, तो मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर कुछ लोग जो ग्रुप बना के खेल रहे हैं, वो जो इंडिविजुअल लोग हैं उनको टारगेट करके निकालेंगे पहले। जिस तरीके से वोटिंग हुई, किसका आपको लगा कि अनफेयर हुआ या फिर किसको आप समझ रहे थे कि वो दोस्त है और वो आपको ये नॉमिनेट कर दिए? मुझे सुम्बुल का थोड़ा शॉकिंग लगा था, सुम्बुल और मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, फिर किसी बात पर हमारी थोड़ी सी तू तू मैं हुई, बट मुझे लगा नहीं था कि वो नॉमिनेट करेगी। सौंदर्या का बहुत शॉकिंग था, कुछ चीज़ें जो सौंदर्या ने समझी नहीं उनकी वजह से उन्होंने नॉमिनेट किया। अर्चना का बहुत शॉकिंग था क्योंकि जब अर्चना दोबारा घर में वापस आई थी और प्रियंका, मैं और सौंदर्या उनको लाने के लिए थोड़ा लड़े थे, तो अर्चना ने उस टाइम पे बोला था कि मैं माता रानी की कसम खाती हूँ, मैं आप तुम तीनों को तो कभी नॉमिनेट नहीं करूँगी, तो वो थोड़ा सा शॉकिंग था। बट अर्चना से थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी था कि वो कभी भी पलट सकती है, कभी भी धोखा दे सकती है।